बनाना हेयर मास्क बनाने के लिए हम लेंगे 1 बनाना। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग 2 बनाना भी ले सकते हैं विद इट्स पील। फिर हम लेंगे कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, आप आमंड ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कोकोनट प्लस आमंड ऑयल लिया हुआ है 2 to 3 tablespoons। हनी हम 3 to 4 tablespoons लेंगे। योगर्ट या कर्ड हम लेंगे 3 to 4 tablespoons। मिल्क लेंगे 3 to 4 tablespoons। अब हम लेंगे एलोवेरा, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं और पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं 2 to 3 tablespoons। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो कंसिस्टेंसी है वो थिक रहे, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो, और बनाना को हम उसके पील यानी छिलके के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं। अब हमारा हेयर मास्क रेडी है। मैं इसे वीक में एक बार हमेशा लगाती हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव हेयर मास्क है। अब हम अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि हमारे हेयर्स टैंगल फ्री हो जाएं और मास्क लगाने में आसानी हो। बनाना कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नेचुरल ऑयल से भरपूर है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए परफेक्ट फ्रूट है। ये हमारे हेयर्स को ओवरऑल नरिशमेंट देता है। इसके अलावा ये हमारे हेयर्स को सिल्की, शाइनी, स्मूथ, सॉफ्ट भी बनाता है। ये हमारे हेयर्स से डैंड्रफ और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। इसमें हमने हनी भी लिया है। हनी में ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे हेयर्स में मॉइस्चर को रेगुलेट एंड रिटेन करती हैं। प्लस हनी इज आल्सो सेट टू स्ट्रेंथन हेयर फॉलिकल फॉर हेल्दी ग्रोथ। कोकोनट एंड आमंड ऑयल में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, जो हेयर्स को एक हेल्दी नरिशमेंट देता है। ये हमारे हेयर्स को लश्चरस और शाइनी एंड मैनेजेबल भी बनाता है। ये ड्राई एंड डैमेज हेयर्स को भी सॉफ्टन करता है। मिल्क हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर्स को कंडीशन करता है, ये स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म करता है और डैमेज एंड ब्रिटल हेयर्स को ख़त्म करके सॉफ्ट एंड शाइनी टच देता है। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक नाम का एंजाइम होता है, जो कि हेयर्स के स्कैल्प की डेड स्किन को रिपेयर करता है। ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर भी है। ये हमारे स्कैल्प से इचिंग और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। हेयर मास्क को हम अपने हेयर के रूट से एंड तक लेकर अच्छे से लगाएंगे। हम इस हेयर मास्क को रूट में भी अच्छे से लगाएंगे, जिससे कि हमारे हेयर्स को एक अच्छा नरिशमेंट मिल सके। इस हेयर मास्क को हम 30 से 40 मिनट तक लगा के रखेंगे। इस बीच आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, नेल स्पा ले सकते हैं घर पर ही, या फिर आप कुछ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या कोई गेम भी खेल सकते हैं, या तो आप अपने घर का कोई भी काम कर सकते हैं। हम इसे 40 मिनट्स के लिए लगा कर छोड़ देंगे। 40 मिनट्स के बाद हेयर वॉश कर लिए हैं मैंने, और अब आप देख सकते हैं कि हेयर मास्क से मेरे हेयर्स कितने लश्चर, शाइनी, हैवी एंड स्मूथ दिख रहे हैं। आप सब इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब मैं लेती हूँ आप सब से विदा, और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब रखिए अपना खूब सारा ख्याल। Till then, take care. Bye-bye. Love you all. Stay blessed.